हद होती है, इतनी देर हो गई है तुम अभी तक सो रही हो, उठो शाबाश। सारा सारा जारा सारा के खुलो बेटा, जारा 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 उठ जाओ, जारा क्या हो गया, आंखें खोलो बेटा। जी बीजे, जाओ जल्दी से एमएस साहब को बुला के लेकर आओ, जारा बीबी बेहोश हो गई है। जी बीजे, मैं अभी बुला के लो। जारा एमएस साहब, वो जारा बीबी बेहोश हो गई है। क्या हो उसे? पता नहीं, आपको बड़ी बीबी बुला रही है। अल्लाह खैर करे। जारा जारा मामा क्या हुआ? एमर प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। जी मैं करता हूँ कॉल। जारा जानी आंखें खोलो, जारा 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 क्या हो गया इसको? जारा लगता है इन्होंने स्लीपिंग टैबलेट्स लिए हैं, फिलहाल इनको सोने दें। कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम ये इस किस्म की मेडिसिन ना लें, इनके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ सकता है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है? और कब तक होश आएगा इसे? कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, कुछ घंटे के बाद होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, ये उठ जाएगी तो इसको मैं फर्दर चेकअप के लिए आपके पास ले आऊंगी। जी जरूर आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। आंटी आप परेशान ना हो, सारा ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बताया तो है कि परेशानी की बात नहीं है। अब मुझे पता ना कितनी परेशान है वो, नींद की गोलियां नहीं खाएगी तो और क्या करेगी। तो सारा का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से। सारा का एक्सीडेंट कब? रहने दो अहमद, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, वो जिए या मरे। तुम तो अपनी दुनिया में मस्त रहो। लेकिन मुझे उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता मामा, कब हुआ, कैसी है वो? छोड़ो अहमर, बड़ा कंसर्न है तुम्हें। अलमास आंटी का फोन आ रहा है। रहने दो, मैं क्या बात करूंगी उससे, वो पहले ही बहुत परेशान है। एक तरफ उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, अब दूसरी बेटी की बीमारी का बता के उसे कितना परेशान करूंगी मैं। मामा छोड़ो अहमर, ये जो तुम्हें तोहफा ला के हमारे सरों पे बैठा दिया ना, ये सब इसी का रिएक्शन है। जब से ये इस घर में आई, इस घर में कोई अच्छी चीज नहीं हुई, ये सब सब इसी की मनहूसियत है। सब बुरी चीजें इस घर में इसके आने के बाद हुई। अच्छा भला हंसता खेलता घर था हमारा, इसने बर्बाद कर दिया सब कुछ। हद होती है नहुसत की। अजनबी